हमारे देश में गरीबी के ऊपर, हमारे देश में भुखमरी के ऊपर, हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर, हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करी जाती। ले दे के कोई मुद्दा रह जाता है तो वो हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, क्यों आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो वो सही नहीं है। और हिंदू राष्ट्र क्या है सर? हिंदू राष्ट्र कहाँ से आया? हिंदू राष्ट्र हमारे, क्या हमारे संविधान की कोई औकात नहीं रह गई है? मुझे जहाँ तक लगता है पिछले 6 सालों से और शायद पहले से भी बीजेपी जो पावर में आई वो शुरू से राम मंदिर मस्जिद को लेके उनका हमेशा से मुद्दा रहा है, जिसकी वजह से, जिसको उन्होंने बढ़ावा दिया और उसी की वजह से वो पावर में आई। और शायद इसी, ये पावर में आने के बावजूद इसी मुद्दे को वो आगे तक लेके जाना चाहती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब उनके पास, और आज राम मंदिर वाला उन्होंने मुद्दा ख़त्म कर दिया है, तो उनको शायद क्योंकि टिके रहना है इसीलिए वो अभी भी उसी मुद्दे को लेके चल रहे हैं और उनका वो टारगेट कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, वो टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम्स को इस तरह के बिल्स लाके, वो टारगेट करेंगे। और शायद जो असम में हो भी रहा है कि डिटेंशन सेंटर्स में लेके जाया जा रहा है उन लोगों को जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और उनको मारा जा रहा है, तो इससे ज़्यादा इनह्यूमैनिटी कोई नहीं हो सकती। आप पावर में रहने के लिए आप बेकसूर लोगों को मार रहे हैं। मैं हर बार, जितनी बार भी मेरे आज तक इंटरव्यूज़ हुए हैं, मैंने हमेशा एक ही बात बोली है कि जब ये देश बना था, जब ये देश आज़ाद हुआ था, एक बात पहले से तय हो गई थी कि इस देश में जितने भी मुसलमान हैं जो यहाँ रह गए हैं उनको हमेशा उसी नज़र से देखा जाएगा जिस नज़र से हिंदू को देखा जाता है। ये देश उन सबका होगा, जिस तरह से वो एक हिंदू का है वैसे ही वो एक मुसलमान का होगा, वैसे ही सिख का और वैसे ही ईसाई का। हमारे यहाँ सेकुलरिज्म संविधान में इसीलिए रखा गया है और इसी बेसिस पर हमारा देश हमेशा चला है और हम सब मिलजुल कर रहे हैं। मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मेरे पड़ोस में हम लोग सब, हम हमेशा खुशी से रहे हैं एक दूसरे के साथ। हमने कभी इस तरह से देखा ही नहीं है कि वो किसी दूसरे धर्म के हैं, ये किसी दूसरे धर्म के हैं। हमारे लिए यही हमेशा एक खुशी की बात रही है कि हाँ, हम सब एक हैं। तो क्यों ये जो अंग्रेज़ों ने किया वही क्यों ये लोग करना शुरू कर रहे हैं? इन्होंने क्यों डिवाइड एंड रूल करना शुरू किया? क्योंकि ये जानते हैं कि ये इसके अलावा और किसी मुद्दे पर इस देश पे रूल नहीं कर सकते, और यही रीज़न है। उन्होंने अभी तक इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मॉब लिंचिंग्स ले लीजिए आप। क्या कभी किसी इंसान ने ये सोचने की कोशिश की है कि भगवान और अल्लाह के नाम पर आप लोगों को मार रहे हो? इससे ज़्यादा इनह्यूमन और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि हमारे देश में मुद्दों के ऊपर बात नहीं की जाती? हमारे देश में गरीबी के ऊपर, हमारे देश में भुखमरी के ऊपर, हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करी जाती? ले दे के कोई मुद्दा रह जाता है तो वो हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, क्यों, किस लिए? और अब अभी भी आप लोगों का पेट नहीं भरा ये सब करने के बाद, इतने लोगों को मरवाने के बाद? 2002 का आपने इतना बड़ा कांड किया गुजरात में, गोधरा कांड हुआ, कोई नहीं जानता कि गोधरा कांड भी एक पॉलिटिकल एंगल था। 2002 में जो आपने दंगे कराए वहाँ पर इनोसेंट बच्चे और इनोसेंट औरतों को आपने मारा। अगर आपको पकड़ना था जिन्होंने ट्रेन जलाई, आप उनको पकड़िए और उनको मारिए। आप एक कॉलोनी में जाकर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस धर्म के लोग हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को और आप औरतों को मार रहे हैं, इससे ज़्यादा इनह्यूमन चीज़ कोई नहीं हो सकती। और उसके बाद लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे कॉजेस को, लोगों के अंदर इतनी नफरत भर चुकी है आज की डेट में कि वो सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेप्स हो रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जीडीपी हमारी कहाँ पहुँच गई है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं, लोग हॉस्पिटल के बाहर अपना दम तोड़ रहे हैं, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स ही नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एजुकेशन सिस्टम की बैंड बज चुकी है। आप लोग JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ को वहाँ की फ़ीस का आपने क्या हाल कर दिया कि वो बच्चे सड़कों पे आ गए हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कर क्या रहे हैं? आपने, आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, ये सरकार करना क्या चाहती है, क्या कर रहे हैं वो, ये क्या है, क्यों, किस लिए आप ये बिल पास कर? आप मुझे बताइए सर, मुसलमानों को आप इस
कंट्री से निकालकर या डिटेंशन सेंटर्स में डालकर आप उसको कैसे विकास कहेंगे? सबका मतलब क्या होता है? उनका सबका से मतलब क्या है? क्या सबका से मतलब सिर्फ हिंदू है? सबका में वो सारे लोग शामिल नहीं होने चाहिए जो इस देश के सिटीजन हैं, जो इस देश में रहते हैं, जिस उन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है इस देश में? आज मुझे बताइए आप, क्या ये देश सिर्फ हिंदुओं की वजह से चल रहा है? क्या आप जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जब आप मर रहे होते हैं, आप ये पूछते हैं वहाँ जाकर कि ये डॉक्टर मुसलमान है या हिंदू है? या ये जो ब्लड मुझे चढ़ रहा है, ये हिंदू का ब्लड है या ये मुसलमान का ब्लड है? इस देश में हर उस इंसान का कंट्रीब्यूशन है जो इस देश में रहा है इतने सालों से। आप ये भूल नहीं सकते। क्या पुलिस फोर्स में क्या सिर्फ हिंदू हैं? क्या मिलिट्री में क्या सिर्फ हिंदू सर्व करते हैं? क्या मिलिट्री में जब आप जाते हैं और जो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी हैं, क्या उसमें सिर्फ हिंदुओं ने उसको अंजाम दिया था, मुसलमानों ने नहीं दिया था? इसलिए ये बात मत बोलिए आप सबका साथ सबका विकास। उन्हें साथ सबका चाहिए, पर उन्हें विकास नहीं करना सबका। अगर उन्होंने विकास करना होता तो अब तक नजर 6 साल हो गए हैं यार। क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ जो है अब तेजी से काम हो रहा है? लगता तो ऐसा ही है, वो शायद यही करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप जिस तरह से इस तरह के बिल्स पास कर रहे हैं, आपके लिए जो बिल्स पास करने चाहिए थे, आप उनकी तरफ काम नहीं कर रहे हैं। आपने एक बार भी बढ़ते हुए रेप्स के लिए एक भी बिल पास नहीं किया संसद में। आप धड़ाधड़ ऐसे बिल्स पास कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? जो आप मुझे बताइए, बिल्स तो जो पास हो रहे हैं, आप डिटेंशन सेंटर्स में लोगों को ले जाके मार रहे हैं। इससे अगर आप हिंदू राष्ट्र बना भी देंगे तो आप क्या अचीव कर लेंगे?